अहमद साहब, जो कुछ भी अभी खान साहब ने कहा मुझे बड़ी तकलीफ है उससे, क्योंकि इनका काम सिर्फ यही है बैठकर प्रोपोगंडा फैलाएं, बार बार कश्मीर के नाम पर रोना रोएं, बार बार ये कहें कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। अपने देश में इनको हालात नहीं दिखते, तंगी जैसे कर्जे में दबे हुए ये लोग, खाना दो समय का नसीब नहीं होता इनको, पानी से लेके हर एक चीज की इनकी निर्भरता, इनको दिक्कत होने लगेगी अगर जोजिला टनल बन जाएगा। साहब एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, पीओके जाने का डर है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि इन्होंने ही मजदूरों पर हमला करवाया ताकि दहशत बनी रहे वहां पर। आप लोग ध्रुव कटोच सर, आप भी अनम्यूट शायद आपको करना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही, टीम जरा इनको चेक करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको कटौत साहब फिर से कनेक्ट करवाती हूँ, मैं फिर से आपको कनेक्ट करवाती हूँ। दूसरों के बारे में खान साहब रुक जाइए, बोलिए मत। शैलेंद्र वांकर जी, मेरा सेम सवाल आप ही से है सर। देवलांकर जी आप भी अनम्यूट करेंगे प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, बोलिए। देखिएगा पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक ही, इनको बिल्कुल फेस नहीं है, मैं एक स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टैटिस्टिक ये है कि 2023-24 में पाकिस्तान ने IMF के तरफ से जो बेलआउट पैकेज लिया है, उतना तो हमारा JNK का 24-25 का डेवलपमेंट बजट है। ये बात देखिएगा, हम जितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। अरे भाई, वहां पर वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, चाइना उनके लिए कई सारा ऑब्जेक्शंस लेके खड़ा हुआ है। आज के जमाने में यूनाइटेड नेशन का टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है वो बताता है कि कुल मिला के 73 टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बना हुआ है। अब देखिएगा, ये जो जोजिला पास की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में दो तीन चीजों का ट्रेंड जो है वो हमें क्लियर कट दिखाई देता है। वो एक है कि यहाँ पर हमने जिस तरह के चुनाव हमने JNK में करवाए, जिस तरह का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर आया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई। अरे भाई, ये सारे प्रोसेस में पाकिस्तान कहाँ है? वो तो बिल्कुल इस सारी प्रोसेस से आउट है। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। दैट्स द फर्स्ट, उनका पहला ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर, अभी यहाँ के रक्षा तज्ञ भी बैठे हुए हैं, एक बात के लिए मैं जरूर करता हूँ कि जिस एरिया में उन्होंने ये टेरर अटैक किया हुआ है, उस एरिया में एक टेरर अटैक ऑलमोस्ट, ये ऐसा एरिया है कि जहाँ टेरर इतने ज्यादा अटैक नहीं होते। लास्ट अटैक तो 2009 के साथ में हुआ था, उसके बाद में 15 साल का गैप चला गया। अब देखिएगा, इनकी एक तो रिवाइवल ऑफ टेररिज्म तो जरूर कर रहे हैं, बिकॉज उनको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चाहते नहीं है, उसको तो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा सिक्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन JNK में है वो बेसिकली बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर में है। अब वो पेरिफेरल एरिया जो है वहां पर वो जानबूझ के टारगेट करना चाहते हैं, सो दैट हम डाइवर्सिफाई कर सके, हमारा जो अटेंशन है उसमें डाइवर्सिफाई हो सके, इसलिए वो उस बात को चुन रहे थे। एक बड़े रणनीति का भी एक पार्ट हो सकता है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। सेकंडली, ये जो हमारा बिल्कुल ही नॉवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो जिला वाला जो है, अगर वो बन जाता है तो हम एक मिसाल खड़ी करेंगे, वो मिसाल चाइना के लिए भी होगा, वो पाकिस्तान के लिए भी होगी। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उनको हाल्ट करके ये फिर से उसको बताना चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ वहां पर नॉर्मलाइज नहीं है, वो उनका रणनीति है। लेकिन इसके पहले हमें एक बात को भी सोचना चाहिए कि ये जो रिवाइवल हुआ है ये शुरुआत है। क्या हो सकता है कि यहाँ पर जहां पर 15 साल में कोई अटैक नहीं हुआ था, अगर पाकिस्तान इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अटैक करता है तो हमारे लिए ये वार्निंग सिग्नल है। और ये वार्निंग सिग्नल इसलिए है कि हम इस तरह से अटैक, उनका उनका प्लान क्या है, उनको पुलवामा टाइप और एक अटैक करवानी है। अगर वो अटैक करवाते हैं तो वो इंटरनेशनली कश्मीर को हाईलाइट कर पाएंगे, वो उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अरे भाई, पुलवामा टाइप अटैक तो आप कर नहीं सकते, बिकॉज अनंतनाग है, बारामुल्ला है, सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट है। तो वो इस तरह की कुछ चीजें करना चाहते हैं जहां से वो हाईलाइट हो सके, वो अपना जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा हो या उनका रेजिस्टेंस फोर्स हो, जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज है, वो अपने रिलेवेंस को रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और रीस्टैब्लिश करने के लिए वो ऐसे ही ठिकानों को चुनेंगे
जहां पर उनका हमारी सब इंडिया की नजर वहां पर चले जाएंगी, जैसे मजदूरों का अब निधन हुआ है, तो जानबूझकर ऐसे ही टारगेट चुनेंगे आने वाले टाइम में। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बाद में भी हमारे कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शिंकुला टनल है सर, जरूर शिंकुला टनल है, और दूसरी तरफ फिर आपका जांस्कर घाटी है वहां। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पर भारत काम कर रहा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को उससे टेंशन है। सोहेल काजमी जी आपके पास आते हो, और जैसे ही मेरे साथ ध्रुव कटोच जी जुड़ेंगे, मुझे प्लीज बताइएगा। सोहेल काजमी साहब, अभी आपने सुना होगा खान साहब को, मैं ये समझ ही नहीं पा रही, और बार बार लगता है काजमी साहब चले गए, एक बार कंफर्म कीजिएगा फिर से मुझे। ठीक है, काजमी जी भी अभी नहीं है, आ गए। काजमी साहब हैं आप मेरे साथ? काजमी जी हैं आप मेरे साथ? कंफर्म करिएगा सर। काजमी साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, लगता है कनेक्टिविटी का थोड़ा सा, पाकिस्तान का खौफ बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं खान साहब? मैं कह पाकिस्तान के खौफ से आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। व्हाट अ जोक खान साहब, व्हाट अ जोक, मजे का, अच्छा है ना। चलिए, आपने मिड ऑफ द डिबेट एक जोक मारा, हम सबको हंसी आई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। लेकिन वापस से अस्थाना साहब एक बार आपके पास आ जाते हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम अनइनवाइटेड जोक्स को भी थोड़ा हेल्दी वे में लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अस्थाना साहब फिर से आपके पास आते हुए, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में सर सरकार का गठन हुआ, और ये बात तो तय है कि ये भी पाकिस्तान के लिए नागवार सिचुएशन है। पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता था कि वहां की जमहूरियत को अपनी सरकार मिले और वहां पर जो काम होने हैं वो काम आगे की तरफ बढ़े। दूसरा सर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, और उसके लिए अब तो प्रस्ताव और मंजूरी भी एक तरीके की मिल चुकी है, आगे का प्रोसेस होगा। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कश्मीर से इसको भी बहुत समस्या है। आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कश्मीर में किसी भी तरीके की नॉर्मलसी आना नागवार है कश्मीर को, इनको पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कश्मीर में नॉर्मलसी आने का मतलब है कि जो पीओके में कश्मीरी हैं, वो जाहिर है कि वो और ज़्यादा भड़केंगे, और वो इनसे भी सवाल करेंगे कि देखिए वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और ये हो रहा है, इस किस्म के प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड के कश्मीर की सूरत जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। अभी एक को पैनलिस्ट ने जैसे बताया था कि जो बजट जितना पाकिस्तान को पूरा उनका वो लोन मांग रहे हैं अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तो हमने अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च कर दिया है, और इससे और ज्यादा खर्च होने वाला है। तो उससे जाहिर है कि पूरी सूरत हाल कश्मीर के तो पूरे बदल ही रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी चीज क्या है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा उतना वर्चस्व बना के रखना चाहती है, आईएसआई वर्चस्व बना के रखना चाहती है। कारण क्या है कि उनको लगता है कि अगर भारत के साथ हर चीज नॉर्मल हो जाती है तो उनका वर्चस्व कम हो जाएगा, और अगर उनका वर्चस्व है तो सारे लिवर्स ऑफ पावर हैं वो उनके पास रहेंगे। इसलिए उनके दिमाग में ये रहता है कि किसी ना किसी तरीके से देश की जनता को, पाकिस्तान की जनता को ये कन्विंस हो जाना चाहिए कि भारत एक खतरा है। अब अगर भारत कुछ कर नहीं रहा है तो खतरा उसको पैदा करने के लिए क्या है कि आप टेररिस्ट भेजिए, भारत को उकसाइए, ताकि उकसाने के बाद वो कुछ करे तो आप फिर बोलेंगे देखिए भारत जो है, भारत खतरा है और इससे मैं ही आपको बचा सकता हूँ। इसलिए ये पॉलिटिशियन सब बेकार है, पूरा जो पावर है वो मेरे पास रहनी चाहिए। और ये जो इन दोनों खान साहब आ रही हूँ, पहले इनकी बात हो जाने दीजिए, का यही एम रहता है, और इस कारण से टेररिज्म इनको सूट करता है। उसी साथ साथ टेररिज्म एक इंडस्ट्री भी बन गया है, क्योंकि अभी उस इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं, नार्को टेररिज्म जिसे बोलते हैं, उसका भी जो पैसा है वो भी एक, और एक इंडस्ट्री के तौर पे काफी सारे इनको अभी, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं के खुद के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब बोलते थे कि जी ये तो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं जो टेररिस्ट हैं, और उसको वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबकी इन्हीं के लीडर्स की सारी के सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई, और फिर ये कहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम बोलते हैं, ये खुद ही बोलते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम बोलते हैं। अब से फिर मुझे काउंटर लेना होगा, और काजमी साहब भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं खित्ते में, हम लोग नहीं फैला रहे, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देखिए आए दिन मेरे फौजी जवान, मेरे पुलिस के जवान शहादतें पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं कि आप दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप बात करते हैं कश्मीर की, आप ये देखिए कश्मीर का इल्जाम आप हम पे लगाते हैं, आपने कब पाकिस्तानी किसी को पकड़ा, वहां किसी दहशतगर्द को पकड़ा के पाकिस्तान से आया और आपके पास कुछ सबूत है? आप देखें ये जो कसाब कसाब आप करते हैं, कसाब भी आप ही का पालतू था, उसके पास से एक पाकिस्तानी मिल्क पैक का डब्बा मिला और उसकी वजह से आपने उसको पाकिस्तानी गिरदान दिया। तो खुदारा इन चीजों से बाहर आ जाइए। मैं हम ये नहीं चाहते कभी भी हम नहीं चाहते कि खित्ते में बदमनी रहे, खित्ते में दहशतगर्दी हो, खित्ते के लोग मरे, कश्मीरी मरे, इंडियन मरे, पाकिस्तानी मरे, सब इंसान मरते हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो आप ये दहशतगर्दी से अपनी बात आ जाए, आपको मीडिया पे भी इतनी दहशतगर्दी फैलाते हैं कि आपको बम गोले छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मीडिया का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया ना खान साहब, तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा।